नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तारित खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर नया परिषदन भवन में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में हुई बैठक। वरीय अधिकारी के साथ साथ सभी विभागों के अधिकारी और पूजा समिति के लोग रहे मौजूद। विधायक ने नवरात्रि के पहले समस्याओं का समाधान करने का दिया निर्देश। जिला नियोजनालय की ओर से झंडा मैदान में दत्तोपंत ठेकरी रोजगार मेला 2024 का किया गया आयोजन। अधिकारियों ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया विधिवत शुभारंभ। 24 संस्थाओं ने लिया था भाग। 70 अभ्यर्थियों का रोजगार के लिए अंतिम रूप से किया गया चयनित। बेंगाबाद के फिटकोरिया पेट्रोल पंप के पास लावारिस अवस्था में पाया गया शव। रातडी गांव का निवासी है मृतक। परिजनों और कई जनप्रतिनिधियों ने हत्या का जताया अंदेशा। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। सेंट्रल जेल में बंद 5 कैदियों की बिगड़ी तबीयत। सुरक्षा के घेरे में इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। चल रहा है सभी का इलाज। अलग अलग मामलों में 4 पुरुष और 1 महिला कैदी जेल में है बंद। झारखंड वाकफ बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने 1 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को शिकस्त दी। उनके अध्यक्ष पद पर चुने जाने से गांधी मुख्यालय में खुशियां मनाई गई और सभी ने डॉक्टर अहमद को मुबारकबाद दी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद झारखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुनने जाने पर बुधवार को गांडे मुख्यालय में खुशियां मनाई गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने डॉक्टर अहमद को मुबारकबाद। मालूम हो कि अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद ने 1 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अबरार अहमद को शिकस्त दी। सरफराज को कुल 5 वोट मिले जबकि अबरार को 4 वोट मिले। डॉक्टर अहमद का झारखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बनने पर उनके चाहने वालों में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। टूटी रोड स्थित सेंट्रल जेल में बंद 5 कैदियों की तबीयत खराब होने के बाद उन सभी को सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जिसमें से 4 पुरुष और 1 महिला कैदी शामिल है। उन सभी को पुलिस की निगरानी में इलाज करवाया गया। टुंडी रोड स्थित सेंट्रल जेल में बंद 5 कैदियों का तबियत खराब होने के बाद इलाज के लिए बुधवार को सदर अस्पताल लाया गया। सभी 5 कैदियों का इलाज चल रहा था। बताया गया कि तबियत खराब होने वालों में 4 पुरुष और 1 महिला कैदी शामिल है। अलग अलग कांड में 5 कैदी जेल में बंद था। अचानक तबियत खराब होने से सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इनमें सोनाराम 70 वर्षीय, टीटू राय 45 वर्षीय, विनोद राम 30 वर्षीय, प्रकाश राम 50 वर्षीय और महिला कैदी अंजू देवी 26 वर्षीय शामिल है। सभी को पुलिस की सुरक्षा में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने हार्डी समाज के घनी आबादी वाले मोहल्ले में जनसंपर्क कर उन्हीं समस्याओं को जाना। इस दौरान उन्होंने समाज के जिलाध्यक्ष राजेश हांडी की अध्यक्षता में एक बैठक भी की, जिसमें कई परेशानियां खुलकर सामने आई, जिसमें से बिजली एवं पानी के विषय में उन्होंने कहा कि तत्काल संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। बस स्टैंड के पास हाड़ी समाज की घनी आबादी वाले मोहल्ले में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह सैकड़ों लोगों से जनसंपर्क कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। यहां हाड़ी जाति विकास मंच के बैनर तले समाज के जिला अध्यक्ष राजेश हाड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक भी की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विनय कुमार सिंह का समाज के द्वारा भव्य रूप से स्वागत किया गया। बैठक में समाज के लोगों द्वारा पानी, बिजली एवं आवास का मुख्य रूप से समस्या बताया गया कि इस बस्ती में खंडोली द्वारा आपूर्ति पानी के लिए पाइपलाइन बिछाया गया है, लेकिन पानी आपूर्ति नहीं होता है, तथा नागार्जुन वाला पाइप लगभग 30 घरों तक ही बिछाया गया है, जिसके कारण पानी बस स्टैंड से लाना पड़ता है। साथ ही उक्त बस्ती में बिजली का पोल नहीं लगने के कारण खुला तार चारों तरफ लगा है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास एवं अबू आवास नहीं मिला है, जिसके कारण सभी के घर खपरेल हैं एवं कई घरों के ऊपर प्लास्टिक लगाकर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। सभी के द्वारा बताया गया कि हेमंत सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि एवं सरकारी कर्मी हम लोगों के स्थिति की जानकारी लेने 5 साल के अंदर नहीं आए हैं।
सिंह के द्वारा बैठक में शामिल लोगों को बताया गया कि बिजली एवं पानी के विषय में तत्काल संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। सिंह के द्वारा यह भी बताया गया कि भाजपा के विचारों से सहमत होकर हाड़ी समाज के बबलू हाड़ी, जिला सचिव श्याम हाड़ी, नगर अध्यक्ष राजेश हाड़ी, पवन कुमार, विनोद हाड़ी, राजेश कुमार, भोला हाड़ी, राजा हाड़ी, विशाल हाड़ी सहित 18 युवक एवं हुट्टी बाजार तिकोनिया बस्ती से अवकाश हाड़ी, प्रदेश संगठन सचिव रंजीत हाड़ी, सोनू हाड़ी, दुर्गा कुमार, विकी कुमार, राजू कुमार सहित 32 युवक हाड़ी समाज के कुल 50 सदस्य भाजपा में सिंह के समक्ष शामिल हुए। साथ ही समाज के अध्यक्ष सहित उपस्थित दर्जनों नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में गरीब कल्याण के तहत गरीबों को प्राप्त हो रहे लाभ से प्रभावित होकर एवं हेमंत सरकार की विफलताओं को देखते हुए बताया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में हाड़ी समाज पूरी तरह से भाजपा के समर्थन में रहेगा। लोगों के द्वारा जो बताए गए हैं, जो मूलभूत जो दिक्कतें हैं, हर आदमी को पानी और बिजली जरूरी है, इस दिशा में आपके द्वारा जो बताया गया कि खंडौली से पानी की जो आपूर्ति होती है, इसमें सभी के घरों में तक पाइप बिछाया गया है और जो चैतादी से पानी आता है वो मात्र 30% लोगों के बीच ही पाइप बिछाया गया है। चैतादी का पानी आता है लेकिन खंडौली से आपूर्ति होने वाला पाइप किसी के घर में पानी आपूर्ति, और गरीबों के कल्याण के लिए जिनके घर नहीं है उसको प्रधानमंत्री आवास दिए गए, जिनको शौचालय नहीं थे महिलाओं के सम्मान में शौचालय दिए गए, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपया दिए गए। सभी, कोई गरीब देश का भूखा नहीं मरे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से उनके नेतृत्व में सभी को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज की सुविधा अभी भी प्राप्त हो रही है। जितिया पर्व के अवसर पर सिहोरी सहयोगी समिति की ओर से बुधवार को रक्तदान मां के नाम ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार, भाजपा नेता विनय सिंह, मदन विश्वकर्मा, मनीष वर्मा, वार्ड पार्षद अशोक राम, ऋषि विवेक, शाखा प्रबंधक सिहोरी बैंक ऑफ इंडिया प्रमोद स्वर्णकार, पूर्व मुखिया संदीप शर्मा, सुशील शर्मा, केदार वर्मा समेत कई गणमान्य लोग पहुंचे थे और रक्तदान कर युवाओं और आयोजकों की हौसला अफजाई की। भारी बारिश के बावजूद इस शिविर के माध्यम से 26 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। खास बात यह रही कि 20 नए रक्तदाता ने रक्तदान किया। सभी अतिथियों ने सहयोग समिति की इस कार्य की प्रशंसा की। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में जितेश सिंह, सुनील कुमार, शशि शेखर, सतीश बर्मन, रविन्द्र शर्मा, चुनमुन राम, रणधीर वर्मा, सागर बबलू, संदीप बनवाल, संजीत संदीप, रोहित, पंकज शर्मा, दिनेश, राजेश, राकेश सहित कई युवाओं ने रक्तदान किया। रक्त संग्रह रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया, जिससे मंच पर बैठे सभी उन्हें सम्मानित नागरिक ने सभी रक्तदाताओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। भगवान करे कि उनके जीवन में कोई कभी कभी ना आए, कभी किसी किस्म की कोई बीमारी उनको ना आए। देश में अभी एक परंपरा चल रही है, चेयरमैन के नाम से प्रार्थना के सचिव भी हैं। हमने एक पहला देखते हुए बोर्ड में जाके तो हमेशा शून्य शून्य नजर आता होगा, लेकिन हमने प्रयास किया तमाम फैक्ट्रियों में, चाहे समझा हो काम नहीं कर रहा था, लेकिन सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। कहने का मतलब यह है कि जो जिन चीज़ों के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, रांची जाना पड़ता था, धनबाद जाना पड़ता था, उसकी सुविधाएं बहुत जल्द ग्रीन डिवेलपमेंट बैंक में आप लोगों को मिलेगी, ऐसा पूर्ण विश्वास और बकाया लाइसेंस की प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी कर ली है। क्या हम पहले भी इच्छा जाहिर किया था, अभी हाल ही में रेड क्रॉस के तमाम लोग, हमारे हॉस्पिटल के तमाम लोग और खास करके इस कमेटी के लोगों ने जिनको आमंत्रित किया
वास्तव में सराहनीय है और श्याम ने इसको स्वीकार भी किया कि पहली बार है। हमारे पास ब्लड का रिजर्व लेवल जो है वो ज़रा कम होता जा रहा है और जितने स्वैच्छिक स्वयंसेवी संगठन है वो अगर इस दिशा में पहल करें तो कभी ये परिस्थिति नहीं बनेगी जो अक्सर हम लोगों को सुनने में आता है कि भाई रेड क्रॉस में ब्लड कम हो गया है। तो मेरा यही कहना है कैलेंडर बने और एक रूटीन बने। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात शुरुआत आप ही लोगों ने की थी, आज धन्यवाद देती हूँ। अब जिस तरह से हम लोग का सहयोग का जरूरत पड़ेगा हम लोग सहयोग आएंगे। आज अब वक्त हो चला है छोटी से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्रिक की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह, मोबाइल नंबर 7038645619551520 ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला नियोजनालय शहब मॉडल करियर सेंटर द्वारा झंडा मैदान में रोजगार मेला 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां ने भाग लिया। मेले में कुल 24 प्रतिष्ठान संस्थान ने भाग लिया था, जिसमें से 70 अभ्यर्थियों को अलग अलग कंपनियों के द्वारा चयनित करते हुए ऑफर लेटर प्रदान किया गया।
जिला नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर द्वारा बुधवार को झंडा मैदान में दत्तोपंत ठेठगी रोजगार मेला 2024 का आयोजन किया गया। यह आयोजन श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड रांची के तत्वाधान में आयोजित हुआ। जिला नियोजन पदाधिकारी मोहम्मद इमरान फारूकी एवं श्रम अधीक्षक सह सहायक श्रमायुक्त रविशंकर सिन्हा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर रोजगार मेला का विधिवत शुभारम्भ किया गया। रोजगार मेला में भारी संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों ने भाग लिया। रोजगार मेला में कुल 24 प्रतिष्ठान संस्थानों ने भाग लिया। अलग अलग कंपनियों द्वारा 70 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित करते हुए ऑफर लेटर प्रदान किया गया एवं अन्य 21 नियोजकों द्वारा कुल 283 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जिन्हें लिखित परीक्षा के पश्चात अंतिम रूप से चयन कर ऑफर लेटर प्रदान किया जाएगा। मौके पर कुमार अनिरुद्ध सिंह, धर्मेंद्र कुमार, यंग प्रोफेशनल प्रमोद बेदिया, अनुसेवक मनोहर मुर्मू, सोनू राम हांसदा, रंजीत दास व सुरक्षा प्रहरी का भी सहयोग रहा। जी आज ये रोजगार मेले का आयोजन जो अभी चल रहा है जिला नियोजनालय गिडी के द्वारा आयोजित किया गया है। रोजगार मेले में ये रोजगार मेला श्रम प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। रोजगार मेले में तकरीबन 24 कंपनी पार्टिसिपेट किया है और कुल मिलाकर के 1800 कुछ वैकेंसी है। इसमें ज़्यादातर कंपनी जो लोकल है, 20 कंपनी जो लोकल है इस जिला की है और 4 कंपनी जो बाहर की आई है। 1803 वैकेंसी है। उसके अगेंस्ट में ये उम्मीद की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा सकेगा। ये जब रोजगार मेला खत्म होगा तब सिलेक्शन रिपोर्ट और शिक्षा रिपोर्ट जब आएगा तब वो पता चलेगा कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ या शॉर्टलिस्ट किया गया। जम्मू मुख्यालय में संपूर्णता अभियान के तहत अंत्योदय दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 70 सहायता समूह और आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग तथा 25 किसानों के बीच सोशल हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया। बताया गया कि वंचितों का उत्थान और उन्हें मुख्य धारा में लाना ही अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। संपूर्णता अभियान के तहत बुधवार को जम्मू प्रखंड मुख्यालय में अंत्योदय दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान अंत्योदय दिवस के तहत 70 स्वयं सहायता समूह और आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाओं बहनों को फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग तथा 25 किसानों के बीच सोशल हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान नीति आयोग के ब्लॉक फेलो रितेश कुमार ने बताया कि संपूर्णता अभियान के तहत वंचित लोगों के स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, शिक्षा, सामाजिक विकास के साथ साथ आजीविका के बिंदुओं पर शत प्रतिशत पहुंच तथा लाभ का लक्ष्य निर्धारित करना है। उन्होंने बताया कि वंचितों का उत्थान और उन्हें मुख्य धारा में लाना ही अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिसके तहत SHG और आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाओं और किसानों के बीच सोशल हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया। इसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का प्रकाश पहुंचाना है, ताकि वे भी प्रगति करके समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। आर्थिक उन्नति के साथ साथ यह दिवस समाज में व्याप्त असमानताओं के उन्मूलन के लिए कार्य करने की प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त यह दिवस विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार को बढ़ावा देता है, जिससे निर्धनों एवं वंचितों वर्गों के लोगों को उनके कल्याण के लिए संचालित की जा रही है योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे इसका लाभ उठा सके। सरकार इन वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। एक बार फिर से विदेश में झारखंड के मजदूरों के फंसने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मलेशिया में झारखंड के 70 प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और पिछले 4 माह से मजदूरों को कंपनी के द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे वहां पर इन लोगों की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है और मजदूर अपने वतन वापस लौट रहे हैं और पलायन रोकने के लिए सरकार को मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है। झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के मजदूरों का विदेश में फंसने का सिलसिला जारी है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला एक बार फिर मलेशिया से सामने आया है। इस बार झारखंड के 70 प्रवासी मजदूर मलेशिया में फंसे हुए। पिछले 4 माह से मजदूरों को कंपनी द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई है और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की मांग भी की है। केंद्र और राज्य सरकार से मदद की अपील। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने भारत सरकार और राज्य सरकार से मजदूरों की मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि रोजगार की कमी के कारण झारखंड में हर दिन कहीं न कहीं से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लोग रोजी रोटी की तलाश में विदेश जाते हैं, वहाँ उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से मजदूर अपने वतन लौट पा रहे हैं। सरकार को मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि झारखंड के 70 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए। ये मजदूर फंसे हैं हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के रहने वाले हैं। हम लोग झारखंड के 70 मजदूर मलेशिया में लीडमास्टर कंपनी में है, पिछले एक साल से इधर आके काम करवा रहा है और शुरू में तो महीनों महीना दो तीन महीना सैलरी अच्छा दिया, धीरे धीरे दो से तीन महीना कर दिया, तीन से चार महीना कर दिया। अभी फिलहाल चार महीने का सैलरी रोक के रखा है, खाने के लिए भी कुछ नहीं दे रहा है। अभी हम लोग दो दिन तीन दिन से अभी भूखे हैं, कुछ खाए नहीं हैं। इधर कोई देखने कोई साहब इधर देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं और किसी व्यक्ति को चोट घाट लगने पर भी इलाज के लिए जब बोला जाता है तो साहब लोग बोलते हैं कि पहले आपका अकाउंट में पैसा है तो निकालो तो इलाज करने के लिए लेके जाएगा, नहीं है तो नहीं लेके जाएगा। अपना पैसा मतलब खर्च करने का सोचता नहीं है, मतलब हम लोग को पैसा से ही इलाज करवाता है। गाड़ी वगैरह भी इलाज के लिए मांगते तो देता नहीं है। और हम लोग को यही हम लोग भाई साहब हम लोग चाहते हैं कि चार महीने का सैलरी और पासपोर्ट के साथ हम लोग का झारखंड सरकार से निवेदन है कि वतन वापसी किया जाए, हम लोग सब वापस जाने के लिए चाह रहे इधर। अब वक्त हो चला है छोटी से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें, एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अस्थि रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी के बीच जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में
हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी ग्रीडी। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए, हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। समाज सेवी संध्या मिश्रा और जमुआ प्रखंड युवा समाज सेवी रौनक अजीज के द्वारा बस स्टैंड रोड स्थित वृद्धाश्रम में चाय व जलपान की व्यवस्था कराई गई। कहा कि अब समय पर लोगों को चाय और जलपान मिलेगा, जिससे इन्हें अच्छा महसूस हो सकेगा। बस स्टैंड रोड स्थित वृद्धा आश्रम में बुधवार को समाज सेवी संध्या मिश्रा और जमुआ प्रखंड से युवा समाज सेवी रौनक अजीज के द्वारा चाय व जलपान की व्यवस्था कराई गई। इस मौके पर बुजुर्ग लोग काफी उत्साहित दिखे। इस बात पर समाज सेवी संध्या मिश्रा ने कहा कि अभी खासकर बरसात के मौसम में बुजुर्ग दादा दादी को चाय की आवश्यकता होती है। व्यवस्था नहीं रहने के कारण समय पर चाय नहीं मिल पाता था, अब व्यवस्था हो जाने पर इन लोगों को चाय और जलपान समय पर मिलेगा, जिससे इन्हें अच्छा महसूस होगा। बताया कि हम लोगों द्वारा बुजुर्गों के लिए इस तरह का कार्य जारी रहेगा। नमस्कार, मैं समाज सेवी संध्या मिश्रा। अभी बारिश के मौसम को नजर में रखते हुए वृद्धाश्रम में आज हम लोग चाय और नाश्ता की व्यवस्था करके आए हैं, और जैसे कि बारिश अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है और यहाँ पे चाय नाश्ता करने की व्यवस्था नहीं थी, तो आज मैं और जमुआ प्रखंड के युवा समाज सेवी रौनक अजीज जी, मैं इनके साथ मिलकर हम लोग दोनों ने ये प्लान किया था कि हम लोग वृद्धाश्रम में जाकर चाय और जलपान की व्यवस्था करेंगे, और आज के दिन हम लोगों ने अपना ये कार्यक्रम को सफल बनाया। रौनक अजीज जी को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंगरोड़ी निवासी ललित पाठक को उनके पड़ोस के लोगों ने बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। बताया गया कि घर के बगल में एक सार्वजनिक गली है और उसके पड़ोसियों ने ललित पाठक और उसके परिवार वालों के लोगों ने गली से आने जाने के लिए मना करते थे। बस इसी बात को लेकर पड़ोसियों ने उनके साथ मारपीट कर दी और उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोड़ी निवासी ललित पाठक को उसके पड़ोस के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बुधवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घायल ललित पाठक ने बताया कि घर के बगल में एक सार्वजनिक गली है जिससे लोग आवागमन करते हैं। बताया कि मेरे पड़ोसी द्वारा मुझे और परिवार के लोगों को युक्त गली से आने जाने के लिए मना किया जाता है। इसको लेकर पंचायती भी हुआ है। पंचायत में फैसला हुआ कि जब सार्वजनिक गली है उसमें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता है। बताया कि कल शाम को गली से गुजर रहे थे, तभी आलोक पाठक ने गाली गलौज कर मारपीट किया। मारने वालों में अन्य 3 लोग शामिल था। गंभीर चोट के कारण ललित पाठक बेहोश हो गए। परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, यहां इलाज चल रहा है। वहीं मारपीट करने वाले आलोक पाठक उक्त गली को अपना बताते हैं। क्या नाम हुआ? ललित पाठक। कहां घर है? थाना। क्या हुआ था? हम आ रहे थे, खड़ा था वहीं दुकान शाम को, तो गाड़ी गलो हमको देखा, उसके बाद मारना शुरू किया। कौन मारा, क्या कारण था? यही जमीन विवाद था। गाड़ी से रहा था कि ललित पाठक क्या करेगा, ये लगभग उसी में हम वहाँ रुक गया था, उसको मारा है। कौन मारा, क्या नाम है? आलोक पाठक। कहाँ रहने वाले हो? मंगरोड़ी है, गोतिया। गोतिया है, तो जमीन का क्या मैटर है? जमीन पंच लोग का फैसला कर दिया, पंचनामा बन गया, उसके बाद भी उन लोग दबंग आदमी है, उसका भाई वो रेलवे में काम करता है, वही बताता है कि जितना पैसा लगेगा खर्चा करना हम तुमको देंगे और उन लोग को साधो। कितना जमीन का मामला? कुछ नहीं, रास्ता का मामला,
गली है? गली, गली का मामला है। हाँ, और थाना में दिया आवेदन आप? थाना में दिए थे, उसके बाद थाना में दिए, उसके बाद थाना से भी आया इंक्वायरी आया, गाँव में पंच लोग बैठा फैसला किया, उसके बाद भी। आगामी नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर बुधवार को विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सर्किट हाउस में गिरिडीह जिला प्रशासन और पूजा कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रशासनिक अधिकारियों में बैठक में एसडीएम शाहबाज, एसडीपीओ विनोद रमानी, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, बेंगाबाद बीडीओ प्रियंका प्रियदर्शी, अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार, कई थाना प्रभारी, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव आदि प्रतिनिधि और कई पूजा समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान स्थानीय विधायक सोनू ने कई पूजा समिति के सदस्यों से शहर और ग्रामीण इलाकों में दुर्गा पूजा को बेहतर तरीके से मनाने को लेकर सुझाव मांगा और उनके परेशानियों से रूबरू हुए। कई पूजा समिति ने मुख्य रूप से कलश स्थापना के साथ ही पूजा पंडाल में पुलिस बल तैनात करने का मांग करते हुए कहा कि छेड़छाड़ की घटना के साथ चैन स्नेचिंग की घटना को रोकने के लिए पुलिस बल जरूरी है। बैठक में कुछ पूजा समिति के सदस्यों ने लाइट लगाने का मांग किया, वहीं कुछ ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का सुझाव दिया। कुछ पूजा पंडाल के समीप वन वे व्यवस्था लागू करने की बात कही, कहा कि पूजा तक रात 9 बजे के बाद शहर में नो एंट्री खोलना उचित रहेगा। वैसे बैठक में शहर की कई पूजा समिति के सदस्य शामिल नहीं हो पाए, लिहाजा 28 सितंबर को दोबारा नगर भवन में बैठक रखने का निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में स्थान नहीं मिलने से नाराज हुए सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये बैठक सिर्फ एक राजनीतिक दल का बैठक रहा, कहा कि बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण बैठक में शामिल नहीं हुए। आज गिरिडीह अनुमंडल की पूजा समितियों की के साथ जिला प्रशासन की बैठक हुई, इस बैठक में मेरी भी उपस्थिति थी। विभिन्न विषयों पर विभिन्न कमेटियों के द्वारा दिए गए सुझावों को प्रशासन के पदाधिकारियों के समक्ष रखा गया, मेरा कम का प्रयास किया गया, चाहे वो विसर्जन के विषय हों, पंडालों के में सुरक्षा के विषय हों, साफ सफाई के विषय हों, तमाम विषयों पर बात की गई है। कुछ पूजा समितियों को सूचना के अभाव में उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई थी, जिसके लिए आगामी 27 तारीख को नगर भवन में बैठक पुनः से आयोजित की गई है। उसमें गिरिडीह सदर अनुमंडल की तमाम पूजा समितियों के साथ हम लोग पुनः बैठेंगे और हमें का तमाम का प्रशासन का पूजा समितियों का जनप्रतिनिधियों का यह प्रयास है कि इस मामले में गंभीरता से बैठकर हम लोग समस्याओं का समाधान करने की दिशा में पहल करेंगे और पूजा बेहतर से बेहतर कैसे हो सके इसका प्रयास हम लोग से रहेंगे। इसलिए जिला प्रशासन में आगामी जब भी बैठक हो तो समस्त पूरे पूरा पूरा मंडल समस्त कमेटी सारे लोग बुलाया जाता है तो उसकी व्यवस्था हो बैठने की, जब व्यवस्था ही नहीं है तो बच्चा बैठक बुलाने की जरूरत क्या है। बैठक में गए थे? बैठक में गए, बैठे की जगह गए, बैठे कहाँ होते हैं? इसलिए बाहर निकल के आए, हम लोग वापस जा रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे ये तो बैठक थोड़ी है, सिर्फ पार्टी विशेष का बैठक है, तो पार्टी विशेष का ही चलाना है प्रशासन को, चलाना। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना इलाके के फिटकोरिया पेट्रोल पंप में मंगलवार की देर रात 37 वर्षीय अरुण मंडल का शव लवारिस अवस्था में पड़ा मिला। मृतक अरुण मंडल इसी थाना इलाके के रातडी गांव का रहने वाला था और मंगलवार की शाम घर से निकला था। वहीं चंद घंटे बाद उसका शव फिटकोरिया पेट्रोल पंप के समीप मिला। मृतक की हत्या हुआ है या सड़क हादसे में उसकी मौत, बेंगाबाद थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं दूसरे दिन बुधवार को एसडीपीओ विनोद रवानी के पहल पर सिविल सर्जन ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर राजीव कुमार और फजल थे। पोस्टमार्टम के बाद अब तक जो बातें सामने निकल कर आई उसके अनुसार मृतक की हत्या कुचल कर किया गया है। इधर अरुण मंडल के परिजनों ने साला अजय मंडल और भीम मंडल ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि अरुण के साथ 10 दिन पहले रातड़ी गांव के संतोष मंडल, लीलो मंडल और बजरंगी मंडल समेत 4 लोगों का किसी बात को लेकर मारपीट हुआ था। परिजनों ने चारों पर इसी मारपीट का आधार बनाते हुए चारों पर हत्या का आरोप लगाया है और थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इधर चारों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार रातड़ी गांव के स्वर्गीय मुरली मंडल के 37 वर्षीय बेटा अरुण मंडल मंगलवार की शाम घर से निकला था, लेकिन चंद घंटे बाद उसका शव लवारिस अवस्था में पड़ा मिला। जानकारी मिलने के बाद मेंगाबाद थाना प्रभारी जेके सिंह भी घटनास्थल पहुंचकर जांच किए। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।